वैसे अम्मा कहती है कि लड़का लड़की को मंडप में मिलना चाहिए, पर हमारा तो ये दूसरा एनकाउंटर है। वैसे हम आपसे मिलना चाह रहे थे, उस दिन सड़क पे जो हुआ उसके लिए सॉरी है। तब पता नहीं था ना कि आप हमारे कौन हो, इसलिए मिस्टेक हो गया। वैसे हम बोल व्यवहार में थोड़े दबंग है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको बहुत मजा आएगा। हमें अपना क्या कहते हैं लाइफ पार्टनर बना के आपको बहुत मजा आएगा। वैसे पूरे फोटो वाले ही लगते हैं, हमेशा बुशर्ट ही पहनते हो, कभी कुर्ता वुर्ता नहीं पहने। अरे पहनिए, आप पे बहुत जचेगा। ससुरा ये अंग्रेजी, अरे सब तो अंग्रेजी में लिखा है, तो कहाँ ऑर्डर करें हम इसमें से। अरे अगर अंग्रेजी नाम के आगे व्यंजन का फोटो लगा देते तो कुछ बिगड़ जाता का, समझे में आ जाता ना हमारे फोटो देख के। एकदम बकवास होटल में आ गए हैं हम, वाकई खराब। आगे लिखो 32, लिखो लिखो, यही हमारी नाक चप्पल का नंबर जो तुम दोनों पर बरसने वाली है। चलो फटाफट खर्चा हो रहा है, चलो क्या बदतमीजी है ये छछुंदरी कई की। तुम्हारा दिमाग है ना, तुम्हारा दिमाग खराब होता समझी। अब फटाक से यहाँ से निकलो, फिर अंगियों की तरह निकलो, लट्टू की तरह ना नचा देंगे सबके सामने, बता रहे। बहुत बेइज्जती कर ली तुमने हमारी, अभी तो ना हम अपने हिसाब से बहुत इज्जत में बात कर रहे हैं समझी। बेइज्जती कभी करना स्टार्ट ही नहीं किया हम। अरे बताओ काहे तुम दोनों डोरे डाल रही थी इन पे, हाँ तुम अपने काम से काम रखो समझी। हाँ तो हम वही रख रहे हैं काम से काम। हाँ अरे ये मर्द लोग तो होते ही लंपट है। क्या बोला तुमने हमको लंपट? निश्चित ही आपसे तो ना, आपकी कवाली तो हम बाद में सुनेंगे, पहले हम आपकी सहेलियों का भजन सुन ले। हाँ तो सुनाओ, हमारा मतलब है कि बताओ काहे डोरे डाल रही थी। आर यू मैड? एक्सक्यूज मी, तुमने उसे मैड कहा? हाउ डेयर यू। ए ससुरी, तूने हमें मैड बोला, हम मैड बन तो हम हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना ऊपर ना एक बार एक इंजीनियर आया था और वो हमें जो है गुलाब का फूल दिया। गुलाब का फूल? हाँ तो फिर क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ था आगे? फिर कहा होना था बुआ जी, लपड़ियाना शुरू किए ससुरे का, इतना मारते मारते उसके घर तक लेके गए। उसका टांग टूटा सो अलग, उसका जो गाल था ना उसके गुलाब के फूल से ज्यादा लाल कर दिया। पर आज तक पता मिस्टर जी आज तक हमें कहा कहता है दीदी जी कुछ नहीं, पर हम जो है ना वैलेंटाइन से नहीं मानते। तुमसे ना हमको यही उम्मीद। वो अंग्रेज लोगों का जो है ना करवा चौथ होता है वैलेंटाइन डे। प्यार करने का दिन होता है मिस्टर जी, उस दिन ही बताया जाता है कि आप जो है किसी को कितना प्यार करते हैं। हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन तुम तो किचन से बाहर निकल गए, लेकिन किचन तुमसे बाहर क्यों नहीं निकलती है? इट्स नॉट वैलेंटाइन डे, इट्स वैलेंटाइन डे, मेरी जान वैलेंटाइन। लेकिन तुम हनीमून मेरे साथ मनाने आई हो तो दुलारी दीदी और सासू भैया को कहाँ ढूंढ रही हो? मैडम ऐसे हनीमून नहीं होता, अपने मिस्टर जी के साथ रहो ना। तो महाराज जी आप ही बता दीजिए कि हनीमून कैसे बन गया? का है ना हमारा तो पहली बार है इसलिए। अब महारानी जी उसके लिए आपको शयन कक्ष में चलना होगा। कौन सा कक्ष था मिस्टर जी? कक्षा नहीं कक्ष, सोने का कमरा। मिस्टर जी आप ही हमारे सोने चांदी हैं, हम कहाँ सोने के कमरे में जाएंगे? अरे सोने का मारो मुझे, मारो मारो। अर्ज किया है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझ के की उसने कौन सा तीर मार लिया। हमारे घर की औरत ऐसे मर्द के सामने जबान नहीं चलाती है। तो तुम ना हमें थोड़ी देर के लिए मर्द समझ लो और अपनी जबान हमारे आगे मत चला। साली मतलब आधी घरवाली बनी। मेरी ना बचपन से बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी प्यारी सी बीवी हो, और उससे भी ना डबल क्यूट है ना साली हो। वो बीवी वाली ख्वाहिश तो पूरी हुई नहीं, तो जाके साली साहिब से मिल लेते। दो ही बात ना अपने दिमाग में डाल लीजिए, पहला एक तो वो पूत नहीं है, हमारी तरह है, जेल के दर्शन करके आ चुकी है, समझे आप? इम्पोर्टेड लोग ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ज्यादा ना ये लंगूर बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने।